हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेडर एलिमेंट या टैग क्या होता है, इसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडर टैग या एलिमेंट हम लोग ओपन करेंगे और देन इसमें हम लोग लिख देते हैं कोई भी टेक्स्ट, जैसे HEADER हेडर एलिमेंट, ELEMENT हेडर एलिमेंट। और देन इसको हम लोग सेव करके चेक करेंगे, तो जैसे कि आउटपुट देख सकते हैं हेडर एलिमेंट आ चुका है। ओके, तो इसमें हम लोग का कुछ CSS का पार्ट यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे। ओके, अब देन इसमें हम लोग लिखेंगे बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। ओके, बॉर्डर हम लोग 3 पिक्सल दे दिए हैं। ओके, एंड सॉलिड SOLID सॉलिड रेड RED रेड। ओके, देन इसको हम लोग फिर से चेक करेंगे, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, इसका हाइट विड्थ भी हम लोग मैनेज अभी करेंगे, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे विड्थ दे दिए 100%। ओके, देन इसमें हम लोग हाइट भी दे देते हैं, हाइट दे दिए हम लोग मान चलिए 100 पिक्सल। ओके, देन फिर से हम लोग इसको चेक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं हेडर बन चुका है। ओके, देन अगर आप लोग इसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो सेंटर में भी ला सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, सेंटर देंगे, देन ये सेंटर में आ जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सेंटर में आ चुका है। ओके, इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। तो हम लोग लिखेंगे कलर हम लोग देखते हैं मान चलिए रेड। ओके, रेड देंगे आप, फिर देन चेक करेंगे, तो जैसे कि देख सकते हैं रेड हो चुका है। ओके, फॉन्ट भी बढ़ा सकते हैं FONT फॉन्ट साइज, और देन हम लोग इसको मान चलिए 25 पिक्सल दे देते हैं, और देन इसको हम लोग चेक कर देंगे तो ये बड़ा हो चुका है। ओके, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ये हम लोग CSS लिखे हैं, इसे घबराए नहीं, ये हम लोग आगे चल के CSS देखेंगे, उसमें सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।